नमस्कार दोस्तों, आज हम इस डिजीज़ के मामले में 3 लाख के ऊपर पेशेंट्स में पहुंच चुके हैं और ये हमारे लिए उपलब्धि नहीं बल्कि एक शर्म की बात है। जहां गवर्नमेंट हर तरीके से प्रयास कर रही है कि इस चीज़ को रोका जाए, जहां हमारे डॉक्टर्स बहुत ही लगन से लगे हुए हैं कि कैसे इसका हल ढूंढा जाए और कैसे इस डिजीज़ से निजात पाया जाए। बहुत हद तक हमने सफलता भी प्राप्त की है। हमारे यहाँ एक्टिव केस से ज़्यादा रिकवर केसों की संख्या हो चुकी है, तो ये तो संतोषजनक बात है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही दुखद बात है कि जिस तरफ हमारे हेल्थ वर्कर्स काम कर रहे हैं, उसी तरफ दूसरी जगह हमारी जनता इस बात को सीरियसली नहीं ले रही है। जो प्रोटोकॉल इस डिज़ीज़ से बचने के लिए गवर्नमेंट ने और मेडिकल टीम ने बनाए हैं, उनको जनता बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रही है। आइए इस डिज़ीज़ से कैसे बचें, इसको सिंपल फॉर्म में हम समझते हैं। ये डिज़ीज़ का वायरस जो है वो हमारी नाक से, मुंह से और आँखों से हमारे फेफड़ों में पहुंचता है। हमारे फेफड़ों में पहुंच करके वहाँ पर हमारी SpO2 वैल्यू को कम करता है, चेस्ट कंजेशन पैदा करता है, फीवर को उत्पन्न करता है और सूखी खांसी को उत्पन्न करता है। धीमे धीमे ये कंडीशन वर्स्ट से वर्स्ट होने लगती है। तो हमें करना क्या है? हमें नंबर फर्स्ट एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग पर रहना है। दूसरा, हमें जब भी हम घर से बाहर निकलें तो अपने चेहरे पर मास्क से कवर करके ही निकलना है। सुनने में तो ये मेजर्स बहुत सिंपल लगते हैं, कई लोग कहते भी हैं कि इससे क्या बचाव होगा, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा बचाव होगा। बार बार हमें अपने हाथों को वॉश करना है, चाहे सैनिटाइजर से कीजिए या फिर अपने साबुन से, किसी भी सोप से आप कर सकते हैं। अगर इन छोटी से छोटी बातों का हम फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली ये मान लीजिए कि हमारे हेल्थ वर्कर्स की हम सहायता कर रहे हैं, अपने देश को हम इस डिजीज़ से बचाने में हेल्प कर रहे हैं। यदि आज आपने देशभक्ति नहीं दिखाई तो ये देश समाप्त होने में देर नहीं लगेगी। पूरी दुनिया आज भारतवर्ष की तरफ देख रही है और हम पूरी दुनिया की तरफ देख रहे हैं, जबकि हमें अपने देश में ही अपने हेल्थ वर्कर्स का सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम दुनिया के सामने एक उदाहरण बन के पेश हों। तब तक के लिए मैं डॉक्टर सैन शर्मा आपसे विदा लेता हूँ। स्टे हेल्दी, स्टे मोटिवेट।